अवंतीबाई लोधी का जन्म पिछले वर्ग के लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मन केहनी जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शिक्षा दीक्षा मनकेहनी ग्राम में ही हुई। अपने बचपन में ही इस कन्या ने तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया था। लोग इस बाल कन्या की तलवारबाजी और घुड़सवारी को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। वीरांगना अवंतीबाई बालिकाल से ही बड़ी वीर और साहसी थी। जैसे जैसे वीरांगना अवंतीबाई बड़ी होती गई, वैसे वैसे उनकी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे। पिता जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंतीबाई लोधी का रामगढ़ सियासत जिला मंडला के राजकुमार से करने का निश्चय किया। जुझार सिंह की इस साहसी बेटी का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य के लिए स्वीकार कर लिया। इसके बाद जुझार सिंह की यह साहसी कन्या रामगढ़ सियासत की कुलवधू बनी। सन 1850 में रामगढ़ सियासत के राजा और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के ससुर लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और राजकुमार विक्रमादित्य सिंह का रामगढ़ सियासत के राजा के रूप में राज तिलक किया गया। लेकिन कुछ सालों बाद राजा विक्रमादित्य सिंह अस्वस्थ रहने लगे। रानी अवंतीबाई के दो पुत्र थे। उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे, अतः राज्य का सारा भार रानी अवंतीबाई लोधी के कंधों पर आ गया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने वीरांगना झांसी की रानी की तरह ही अपने पति विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने पर ऐसी दशा में राज्यकार संभाल कर अपनी सुयोग्यता का परिचय दिया और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी का प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था। भारत में लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों और उसकी राज्य हड़प नीति की वजह से देश की रियासतों में हल्ला मचा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जिस रियासत का कोई स्वाभाविक बालिक उत्तराधिकारी नहीं होता था, ब्रिटिश सरकार उसे अपने अधीन कर रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लेती थी। इसके अलावा इस हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने यह निर्णय लिया कि जिन भारतीय शासकों ने कंपनी के साथ मित्रता की है अथवा जिन शासकों ने राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन है और उन शासकों के यदि कोई पुत्र नहीं है तो वह बिना अंग्रेजी हुकूमत की आज्ञा के किसी को गोद नहीं ले सकता। अपने राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी ने कानपुर, झांसी, नागपुर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, करौली इत्यादि रियासतों को हड़प चुका था। रामगढ़ की राजनीतिक स्थिति का पता जब अंग्रेजी सरकार को लगा तो उन्होंने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वार्डर्स के अधीन कराने का पता लगाती हुई देवहारगढ़ की पहाड़ियों के निकट पहुंची। यहाँ पर रानी ने अपने सैनिकों के साथ पहले से ही मोर्चा जमा रखा था। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया, लेकिन रानी ने संदेश को अस्वीकार करते हुए संदेश भिजवाया कि लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। इसके बाद वाशिंगटन ने चारों तरफ से रानी की सेना पर धावा बोला। कई दिनों तक रानी की सेना और अंग्रेजी सेना में युद्ध चलता रहा, जिसमें रीवा नरेश की सेना अंग्रेजों का पहले से ही साथ दे रही थी। रानी की सेना बेशक थोड़ी सी थी, लेकिन युद्ध में अंग्रेजी सेना की नाक में दम करके रख दिया था। इस युद्ध में रानी की सेना के कई सैनिक मारे गए और रानी को खुद बाएं हाथ में गोली लगी और बंदूक छूटकर गिर गई। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने अंगरक्षक से तलवार छीनकर स्वयं तलवार भोगकर देश के लिए बलिदान दे दिया कर लिया और शासन प्रबंध के लिए एक तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी गई। इस घटना से रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी काफी दुखी हुई, परंतु वह अपमान का घूंट पीकर रह गई। रानी उचित अवसर की तलाश करने लगी। मई 1857 में अस्वस्थता के कारण राजा विक्रमादित्य सिंह का स्वर्गवास हो गया। सन 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी तो अंग्रेजों से पहले ही जनी भुनी बैठी थी, क्योंकि उनका राज्य भी झांसी और अन्य राज्यों की तरफ कोट कर लिया गया था और अंग्रेज रेजिमेंट उनके समस्त कार्यों पर निगाह रखे हुई थी। रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भिजवाई। उस चिट्ठी में लिखा था, देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमान के सौगंध, जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई की सभी देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने रानी के साहस और शौर्य की बड़ी सराहना की और उनकी योजना के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ
विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। रानी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और रानी ने अपने राज्य से सपोर्ट ऑफ फॉर्डर्स के अधिकारियों को भगा दिया और राज्य एवं क्रांति की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ऐसे में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी मध्य भारत की क्रांति की प्रमुख नेता के रूप में उभरी। उन्होंने रामगढ़ के किले की मरम्मत करा, उसे और मजबूत एवं सुदृढ़ बनवाया। इसके पश्चात रानी ने मंडला पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की मजबूत क्रांतिकारी सेना और अंग्रेज सेना में जोरदार मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों को धूल चटा दी गई। मंडला का डिप्टी कमिश्नर वाशिंगटन लंबे समय से रानी से अपने अपमान का बदला लेने को आतुर था और वह हर हाल में अपनी पराजय का बदला चुकाना चाहता था। इसके बाद वाशिंगटन ने अपनी सेना को पुनर्गठित कर रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया, जिसमें रीवा नरेश की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। रानी अवंतीबाई की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन फिर भी वह वीर सैनिकों ने साहसी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। लेकिन ब्रिटिश सेना संख्या बल एवं युद्ध सामग्री की तुलना में रानी की सेना से कई गुना बलशाली थी। अतः स्थिति को भांपते हुए रानी ने किले के बाहर निकलकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ प्रस्थान किया। रानी के रामगढ़ छोड़ देने के बाद अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ के किले बुरी तरह से ध्वस्त करा दिए और खूब लूटपाट की। इसके बाद अंग्रेजी सेना रानी का पता लगाती हुई देवहारगढ़ की पहाड़ियों के निकट पहुंची। यहां पर रानी ने अपने सैनिकों के